झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, अंबेडकर के नाम से एसएससी एसटी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे। श्री दास एसटी एससी स्टैंड अप इंडिया अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत रांची में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर सीएम ने हरी झंडी दिखाकर इंटरप्रेन्योर्स को एलपीजी ट्रैक्टर ट्रकों को सुपुर्द किया। वहीं रघुवर दास ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और अंबेडकर के नाम से एससी एससी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे ताकि राज्य के आदिवासी नौजवान, युवक और युवतियां इस उद्योग धंधे में आगे आ सके। उद्योग धंधे में एससी एससी के जोड़ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्राथमिकता में अब अनुसूचित जनजाति के युवाओं की नौकरी देने वाले बन रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप योजना के तहत होने वाली राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वह उद्योग धंधा कर सके और युवाओं को भी जोड़ सके। नौजवान काफी पीछे और इसी को ध्यान में रखकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्टैंड अप के माध्यम से बैंकों को यह आदेश दिए कि कम से कम 2 उद्यमी जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, उनको आपको लोन देना। किस तरह हम शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के नौजवान उद्योग धंधे में आए, हम कैसे अधिक से अधिक उनकी सब्सिडी दें, कैसे उनकी मार्केट की व्यवस्था करें, इस दिशा में भारत सरकार डिक्की के साथ मिलकर आने वाले समय में कुछ अच्छी नीतियां बनाएगी ताकि हमारे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नौजवान उद्योग कर्मी बने, नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। इस सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड अप नीतियां बनाई है। जो मिलिंद जी ने अभी सुझाव दिए राज्य सरकार को, हमारी सरकार, क्योंकि हमारे झारखंड में आदिवासियों की भी संख्या अच्छी और